I am starting question answer of chapter 2 on page 20. Exercise, first question, fill in the blanks. The main step of nutrition in humans are. बच्चों यहाँ what do you learn में पेज 19 पर जो सबसे लास्ट का पॉइंट है उसमें पहला पॉइंट है इंजेशन, दूसरा है डाइजेशन, तीसरा है एब्जॉर्प्शन और चौथा है एसिमिलेशन और फिफ्थ है इजेशन. ये पांचों को पांचों इस वाले पहले फिलअप में रख देंगे जैसे समझे नहीं. तो इसके बाद बी द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज लिवर, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है बच्चों. सी है द स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव, या डाइजेस्टिव आ जाएगा समझे, पाचक रास पैदा भी करता है. फिर डी द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है मेनी फिंगर लाइक आउट ग्रोथ कॉल्ड विली, पहले समझाया था कि छोटी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें उंगली जैसे पिरवर्ड निकल आते हैं जिन्हें विली कहा जाता है. ई देखिए अमीबा डाइजेस्ट द फूड इन द फूड वैक्यूल्स, खाद्य धानियों में पाचन करता है तो फूड वैक्यूल्स आ गया. क्वेश्चन वन कंप्लीट. क्वेश्चन टू जो फिलअप का है, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड टी सॉरी एफ इफ द फॉल्स. द डाइजेशन ऑफ द स्टार्च स्टार्ट इन द स्टमक, स्टमक में डाइजेशन होता है स्टार्च का, गलत है, फॉल्स आएगा. फिर टंग हेल्प इन मिक्सिंग फूड विद द सलाइवा, तो ये बच्चों ट्रू है. द गॉल ब्लैडर टेम्परली स्टोर बाइल, ये ट्रू है. डी है द रिवेनेंट ब्रिंग बैक द स्वालोड ग्रास इनटू देयर माउथ एंड चू इट फॉर द सम टाइम, ट्रू है ये. क्वेश्चन थर्ड जो एमसीक्यू का है, टिक मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. नंबर ए फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्ट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, आएगा बच्चों छोटी आंत में ही होता है कंप्लीट डाइजेशन. बी वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन द लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है. क्वेश्चन फोर है मैचिंग का, जिसमें फूड कंपोनेंट दिए हुए हैं, प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन दे रखे हैं, कार्बोहाइड्रेट शुगर का रूप है, प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड का रूप है, फैट जो है वो फैटी एसिड या ग्लिसरॉल का रूप है. तो इस तरह से क्वेश्चन फाइव व्हाट आर विली एंड व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन. बच्चों इसका आंसर 17 पेज पर देखेंगे आप, एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो इसका आंसर आपकी थर्ड लाइन से स्टार्ट हो रहा है. द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, दीज आर कॉल्ड विली. यहां तक लिखने के बाद फिर आप यहां से स्टार्ट कर देंगे एक लाइन छोड़कर. द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड. ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन फाइव का आंसर. अब क्वेश्चन सिक्स का आंसर, वेयर इज बाइल प्रोड्यूस, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट, और कौन सी अवयव को पाचन में हेल्प करता है. इसका आंसर क्वेश्चन सॉरी पेज नंबर 16 पर है, यहां से जहां स्मॉल इंटेस्टाइन लिखी है इसका सेकंड पैराग्राफ. द लिवर इज ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमन ऑन द राइट साइड है. इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, इट सीक्रेट द बाइल जूस समझे, और बाइल जूस दैट इज स्टोर इन द सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर. द बाइल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ द फूड. यहां तक लिख लेंगे क्वेश्चन सिक्स का आंसर है बच्चों. अब सेवंथ पे आइए, नेम द टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाई द रूमिनेंट बट नॉट ह्यूमन्स, गिव रीजन आल्सो. कह रहा है ऐसा कार्बोहाइड्रेट कौन सा जिसे जो पशु है वो
कैटल जो है वो डाइजेस्ट कर जाते हैं, ह्यूमन नहीं, कारण बताओ। तो सेल्यूलोज ऐसा कार्बोहाइड्रेट है बच्चों, क्या नाम है इसका, सेल्यूलोज, और इसे रूमिनेंट ही एक तरह से डाइजेस्ट कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो उसको डाइजेस्ट कर सकता है, ह्यूमन में ये बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है, ये मेन कारण है। क्वेश्चन 8, व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। बच्चों ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट है, सो इट गिव द एनर्जी इन ए शॉर्ट पीरियड, यानी बहुत ही कम समय में यह हमको ऊर्जा देता है, जबकि दूसरे जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे जब हमें एनर्जी मिलेगी। फिर क्वेश्चन 9, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन, कौन से एलिमेंट्री कैनाल्स का कौन सा भाग ये काम करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, इसमें आएगा स्मॉल इंस्टेंटाइन छोटी आंत में होता है, चूइंग ऑफ फूड चबाने का काम वोकल कैविटी में होता है, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया मारना बैक्टीरिया का ये स्टमक में होता है एसीएल के कारण, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड स्मॉल इंस्टेंटाइन के द्वारा होता है बच्चों पूर्ण पाचन, फॉर्मेशन ऑफ फिशेस ये लार्ज इंस्टेंटाइन में फिशेस बनता है। फिर क्वेश्चन 10, राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग, मानव पाचन में और अमीबा के पाचन में एक समानता और एक अंतर बताइए। सिमिलरिटी तो ये है बच्चों दोनों में ही एनर्जी का प्रोडक्शन होता है डाइजेशन से और दोनों में ही डाइजेस्टिव जूस यूज होते हैं। डिफरेंस ये है कि अमीबा में डाइजेशन जो है वो फूड वेकल्स में होता है, जबकि जो एनिमल सॉरी जबकि जो ह्यूमंस में डाइजेशन होता है एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा। क्वेश्चन 11, जो मैचिंग का है बच्चों कॉलम 1 और कॉलम 2 के मैचिंग करने, सेलिवरी ग्लांड्स है सलिवा सिक्रीशन होता है इससे, स्टमक जो है वो रिलीज एसिड करती है, लिवर जो है वो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, रेक्टम जो है वो करता है स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्ट फूड अपचित भोजन इसमें इकट्ठा होता है, स्मॉल इंस्टेंटाइन जो है वो बच्चों डाइजेशन इज कंप्लीट पूरा पाचन हो जाता है, हम लार्ज इंस्टेंटाइन में क्या होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर पानी का एक तरह से एब्जॉर्प्शन होता है पानी का शोषण होता है। अब लेवल ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें लेवल चित्र में नाम बताने हैं, ये बच्चों गाल ब्लैडर हो गया, ये स्टमक हो गया, ये पैंक्रियाज है, ये स्मॉल इंस्टेंटाइन, ये लार्ज इंस्टेंटाइन, ये रेक्टम, ये एनस। तो इससे बढ़िया ये बच्चों आप सीधा अपना एक चित्र बना लेना 2.2, फिगर नंबर 2.2 ऑन पेज 12, ये वाला डायग्राम देख रहे हैं, ये बना लेंगे विद नाम। और बच्चों 13 क्वेश्चन पर आ जाए, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन द रॉ लीफी वेजिटेबल, क्या हम एक तरह से जीवित रह सकते हैं केवल लीफी वेजिटेबल खा करके। तो होता क्या है बच्चों, लीफी वेजिटेबल्स में विटामिन हो गए आपके, मिनरल्स हो गए, लेकिन जो प्रोटीन है फैट है दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसमें अवेलेबल नहीं होते जो हमारे लिए एक तरह से जरूरी है, अर्थात ये भोजन ये बैलेंस डाइट नहीं बनाता हमारे लिए, इसलिए हमारे लिए ये सफिशियंट नहीं है। अब इसके बाद बच्चों आप कुछ पॉइंट भी ध्यान रखेंगे बच्चों इसमें, देखिए या ये निशान लगा लें, डेफिनेशन है द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ द फूड इनटू द सिंपलर सब्सटेंस कॉल्ड डाइजेशन, डाइजेशन की डेफिनेशन को लगा लो निशान। और बच्चों यहां से द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएट ग्लैंड टुगेदर कंस्टिट्यूएंट द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम की हो गई बच्चों। अब यहां से देखें पेज 12 पर ही है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, ये इंजेशन की डेफिनेशन हो गई। ये वाला 2.3 फिगर बना लेना,
ठीक है, ये रीड कर लेना, मिल्की टीथ और परमानेंट टीथ। ये बच्चों फिगर 2.6 बना लेना, है रीजन ऑफ द टंग्स फॉर डिफरेंट टेस्ट। बच्चों इसमें लिखा नहीं है, ये जो सबसे इधर का जो भाग है ये स्वीट लिख लेना, इसमें इसमें साल्टी लिख लेना, इसमें सावर लिख लेना और बिट्टा लिख लेना यहाँ पे। तो इसका चित्र बना लेना आप अपने। इसके बाद बच्चों ये वाला पॉइंट देखें, डाइजेशन फूड कैन नाउ पासिस इन टू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंस्टेंट टाइम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन हो गई बच्चों। और यहां देखें, द फेसिकल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड इजेशन की डेफिनेशन होगी बच्चों। यहां पर फिगर 2.9 जो ये काओ का डायग्राम है, लेवल डाइजेशन का, ऐसे अगर डाइजेशन का डायग्राम है, ये दोनों आप बना लेंगे। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। बच्चों अच्छी तरीके से काम कंप्लीट करते रहे, कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों। ये क्वेश्चन आंसर आप केवल समझाए हैं मैंने आपको, करने पीडीएफ फाइल से ही है। दूसरा ये जो डेफिनेशन बताई है, इन पर केवल निशान लगाना है, कॉपी मत करना, डायग्राम जो है वो कॉपी में कर लेना। थैंक यू।